15,000 in 5-6 months. बाइक मैंने चला के देखी थी, जैसे इसकी टैगलाइन है फील लाइक गॉड, हेडलाइट तो बहुत अच्छा है इसका। मैं अगर हाईवे पे लेके जाता हूँ तो 45 तक का एवरेज मिल जाता है। प्रैक्टिकल बाइक है, चलाने में भी बहुत मजा आता है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारे पास बजाज एवेंजर 160 स्ट्रीट। इसका हम पूरा यूज़र एक्सपीरियंस निकालेंगे। साथ में है इसके ओनर अभिषेक भाई। अभिषेक भाई, थैंक यू सो मच। और अभिषेक भाई, सबसे पहले बताओ भाई, ये कौन सा मॉडल है, किस ईयर का है, किस मंथ का है? ये है एवेंजर 160 स्ट्रीट, तो 2021 का मॉडल है। लगभग मैंने इसको नवंबर दिसंबर के टाइम पे लिया। नवंबर दिसंबर 2021, तो ऑलमोस्ट समझ लेंगे फ्रेश ही बाइक है एक तरह से, 5-6 महीना पुरानी। तो भाई, ये कितने की पड़ी थी उस टाइम ऑन रोड? मुझे ये पड़ी थी 1,20,000 के आसपास। 1,20,000 की? बहुत सही पड़ गई यार। इस टाइम इसका प्राइस बढ़ गया, बहुत बढ़ गया है, 10-15 हज़ार महंगी हो चुकी होगी। तो भाई, कितने किलोमीटर्स रन हो चुकी है अभी तक? ये है लगभग 15,000 हो गई है। 15,000 in 5-6 months, बहुत ज़्यादा चलाई हुई है, बहुत ज़्यादा चलाई हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो 14,823, कमाल है भाई। तो भाई, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? एक मतलब, चलो मैं पहले ये सवाल पूछता हूँ कि ये बाइक ही क्यों चूज़ करी? जब मार्केट में लेने गए तो क्या ऑप्शंस थे और क्रूज़र कैटेगरी कैसे? तो मुझे कंफर्ट बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी, क्योंकि मुझे यहाँ लखनऊ से बस्ती तक करना पड़ता है, अप डाउन करना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा। और ये बाइक मैंने चला के देखी थी, जैसे इसकी टैगलाइन है फील लाइक गॉड, इसलिए मतलब चलाने में भी फील होता है कि ये गाड़ी कितनी अच्छी है। और इसकी जो कम्फर्ट है, जो ये रोड प्रेजेंस है और जो चलती है पकड़ के रोड, वो काफ़ी अच्छा है, इसीलिए मैंने बाइक चूज़ करी। उसका एवरेज काफ़ी सही है, 160 है। तो एवरेज से बोला है तो एवरेज कितना मिल जा रहा है अभी? मैं अगर हाईवे पे लेके जाता हूँ तो 45 तक का एवरेज मिल जाता है, और अगर मैं सिटी में हूँ तो 35 to 40। काफ़ी अच्छा माइलेज है उस हिसाब से, 45। हाँ, एवरेज सही है, इसका माइलेज मस्त है। और इसकी पावर भी अच्छी फील होती होगी? पावर अच्छी है। हैंडल में थोड़ी चीज़ें थी, इसीलिए मैंने ये मॉडिफिकेशन कराया है। काफ़ी ज़्यादा स्टिप लग रहा था उस टाइम हैंडल, क्योंकि इसके जो मिरर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं। अच्छा, मैंने उसको निकलवाया, ये लगवाया, अभी मनूवरिंग में काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है सिटी में। तो मतलब वो जो स्टैंडर्ड मिरर्स आते हैं, वो हैवी थे, उससे मनूवरिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो ये अपने बार एंड मिरर्स लगवाए, तो इनकी विजिबिलिटी कैसी लग रही है? इसकी विजिबिलिटी अच्छी है, अब उतनी अच्छी नहीं है जितना वो स्टॉक मिरर्स की होती है, पर हाँ, ऐसा है कि यूजर को पता लग जाता है कि पीछे क्या है, और वो आराम से काम करते हैं, अपना जॉब डन करते हैं। मतलब एक हमको अपना मतलब भर का काम पूरा हो जाता है, लेकिन मेन होता है हैंडलिंग। तो हैंडलिंग को इम्प्रूव करने के लिए ये चीज़ एक मॉडिफिकेशन करना पड़ा। चलो सही है। और ये मैंने बैकरेस्ट भी लगवाया है, बैकरेस्ट इसमें नहीं आता है। बैकरेस्ट बाय डिफॉल्ट नहीं आता है? ये 220 का है, 220 क्रूज का है ये। अच्छा, तो ये मैंने लगवा दिया पीछे उसके लिए, सपोर्ट के लिए। तो इसका कॉस्ट कितना आया? इसका कॉस्ट लगभग आया मुझे 1500। और ये बजाज का ऑफिशियल है? हाँ, ओरिजिनल है। और अपने बार एंड कितने के है? बार एंड मैंने फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से मंगवाए थे, 700 के आसपास। इसको चेंज करा के मुझे जावा का लगवाना है। जावा का, सही है। तो जब ये बाइक मार्केट में देखने गए तो सिंपली यही देखी या और भी क्रूजर कैटेगरी की बाइक्स देख रहे थे? रॉयल एनफील्ड्स हैं, मीटियोर देखी, लेकिन मैंने मीटियोर में एक चीज़ नोटिस की कि उसकी कॉस्ट सीधा डबल है, इसका जितना प्राइस है सीधा डबल है उसका प्राइस, और इसका माइलेज और सारी चीज़ें भी कम है, तो मुझे ये ज़्यादा समझ आया उसमें। आगे लेंगे रॉयल एनफील्ड तो इमोशन है, बट अभी के लिए ये बढ़िया है। अभी के लिए ये बढ़िया है, मतलब ये है कि अगर कोई बजट में क्रूजर कैटेगरी देख रहा है, आज की डेट में भी देखें, अगर 1,40,000 में मिल जा रही है, जहाँ सभी बाइकों के प्राइस 1.5-2 लाख जा रहे हैं, तो मतलब उस हिसाब से काफ़ी सही है। हाँ, ये प्रैक्टिकल बाइक है, चलाने में भी बहुत मज़ा आता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके, कोई शिकायत नहीं है। तो इसके सस्पेंशन का मैंने थोड़ा बहुत सुना हुआ है, शायद पुराने वर्जन्स के बारे में सुना होगा। इस वर्जन का कैसा एक्सपीरियंस है? सस्पेंशन इसके बहुत अच्छे हैं, जब एकदम अचानक बहुत बड़ा खड्डा आएगा तभी प्रॉब्लम होगी, वरना इसके सस्पेंशन अच्छे हैं, स्टिफ और सॉफ्ट दोनों साइड पे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। स्पेशली हाईवे पे तो बहुत ही अच्छी चलती है, हाईवे पे तो खैर चलो खड्डे बहुत कम मिलने के चांसेस होते हैं, तो मतलब कंफर्ट रहता है, चाहे 100 किलोमीटर लो चाहे 200 किलोमीटर। तो जैसे मैं देख रहा हूँ, ये आपने फ्रंट वाइजर जो छोटा वाला है इसको आपने रैप कराया, और यहाँ पे एक थोड़ा सा क्या टैटू बोलूंगा या फिर कैफे रेसर लुक है, ये कैफे रेसर लुक देने के लिए इस पे अपना टेप लगाया है, राइट? हाँ, नहीं, वो रैपिंग के टाइम पे ही वो उन्होंने लगा दिया।
काफी अच्छा लग रहा है ऐसे मैं कहूँगा, क्योंकि इसकी तो हेडलाइट सही में गोल नहीं लगती है। गोल नहीं लगती, इसीलिए मैंने ये गोल कराने के लिए किया। मैंने हेडलाइट मॉडिफिकेशन कराने की कोशिश की थी पर वो हो नहीं पाया, इसलिए मैंने अभी तक के लिए ये किया है। आगे जब इसकी वारंटी पीरियड सारी ओवर होगी तो चेंज कराएंगे। हेडलाइट थ्रो कैसा है इसका? हेडलाइट थ्रो बहुत अच्छा है इसका। पहले की हेडलाइट भी हल्की आती थी, अभी हेडलाइट भी सही है। एलईडी नहीं है टोटली, बट ये नीचे एक लाइन है एलईडी की, काम कर देती है अपना काम कर देती है। एक बार चला के देखते हैं। ये है इसकी एलईडी, ये हेडलाइट है। तो हेडलाइट का थ्रो तो अभी हम नहीं बता पाएंगे लेकिन हाँ ओवरऑल मतलब ये है कि हेडलाइट आपका अच्छा काम कर देती है। हेडलाइट बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बात करते हैं इसके टायर्स की, जो बाय डिफॉल्ट MRF के ज़ैपर टायर सभी बाइकों में आते हैं। हाँ। तो कैसा ग्रिप दे रहे हैं इस वक्त? बहुत अच्छी ग्रिप है सबकी, बहुत अच्छे टायर्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मतलब तो वही है कि इस वक्त कंपनीज का यही रहता है, उनका टाई अप रहता है, तो सभी बाइक में, मेरी बाइक में भी MRF ज़ैपर टायर ही आया था, तो बजाज की ऑलमोस्ट सभी बाइक्स में आपको MRF ज़ैपर टायर ही मिलेगा। चलो इसकी वजह से मैं इसमें नाइट्रोजन ही डलवाता हूँ, क्योंकि मुझे क्रूजिंग करनी रहती है सारी चीज़ें, उससे फ़र्क पड़ता है। मैंने फ़र्क पड़ता है नहीं, एक्चुअली नाइट्रोजन टायर को ठंडा रखता है, और अगर आप हाईवे पे जा रहे हो तो टायर प्रेशर बढ़ेगा ही, जितना भी आप डलवाओगे उसमें +5 हो ही जाता है। तो टायर प्रेशर कितना रखते हो भाई, कितने PSI? यहाँ पे 25 आगे और पीछे 30 से 35 है ना। वो तो इस पर भी डिपेंड करता है कि पीछे कोई बैठ रहा है कि नहीं। अगर अकेले होगे तो 30 रखोगे, 30 रखूंगा है ना, तो पीछे बैठने वाले पे भी डिपेंड करता है। ओके, बात करते हैं इसके सर्विस कॉस्ट की, तो कितना सर्विस कॉस्ट एक आ रहा है अभी तक, कितनी सर्विस करवा ली? अभी तक मैंने 3 या 4 कराई हैं। 3-4 सर्विस 6 महीने में ही करानी पड़ी, इतनी चल चुकी है, चल चुकी है, क्या करें। और मेंटेन करते रहते हैं, अक्सर रिफिलिंग भी कराते रहता है ऑयल की, जैसे भी कम होता है। 700 के आसपास इसकी सर्विस कॉस्ट आती है अगर आप पूरा ऑयल चेंज कराते हैं तो, वरना उससे भी कम आती है। अच्छा, मतलब ऑयल चेंज करवाने के बाद भी? क्या बाइक है भाई, लखनऊ है भाई ये तो ऑयल चेंज करवाने के बाद भी बस केवल 700 रुपये? हाँ, तो काफ़ी एकदम, ये तो बहुत ही मैनेजेबल है सर्विस कॉस्ट। तो इसमें कितने लीटर इंजन ऑयल पड़ता है अपना? 1.2 एक लीटर, सही है। तो फिर वही है, कभी फिर मतलब ट्राई किया बजाज का ही ऑयल ट्राई किया या कोई और ऑयल भी? सिर्फ बजाज का ही ऑयल। बात करते हैं इसके वाइब्रेशंस की, तो वाइब्रेशंस हैं बाइक में, ज़्यादा स्पीड पे आते हैं, कम स्पीड पे, कैसा है एक्सपीरियंस? 80 के बाद ही इसमें आपको वाइब्रेशंस पता चलेंगे, 80-90 पे तो बहुत अच्छी चलती है, सिर्फ नाम के वो मतलब हल्के फुल्के वाइब्रेशंस वाइब्स आते हैं। और बाकी ये मिरर्स हटाने से भी फ़र्क पड़ा होगा? हाँ, काफ़ी फ़र्क पड़ा है। पहले वाइब्रेशंस ज़्यादा थे, उसको मैनूवर करने में भी प्रॉब्लम होती थी, ये लगे हैं तब से उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, वाइब्रेशंस भी कम है, वाइब्रेशंस एकदम कम है। कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है इसको लगवाने पे, क्योंकि बहुत भारी हो जाता है हैंडल इसका, क्योंकि बड़े मिरर्स हैं इसके। सही है, चलो एक बार राइड करके देखते हैं छोटी सी। हम आ चुके हैं एवेंजर पे, 14,823 भाई मायने रखता है, बहुत चल गई है, आवाज भी अच्छी है भाई। अब अगर आप एक स्पोर्ट्स कैटेगरी से क्रूजर में आते हो तो बिल्कुल ही फील बदल जाता है बाइक का। अब मैं इसकी पावर चेक करता हूँ, भाई वाइब्रेशंस नहीं हो रहे, बिल्कुल नहीं वाइब्रेशन फील हो रहा मुझे तो, 80+90 हो गई है, 100 ऑलमोस्ट। ब्रेक चेक करते हैं, ब्रेक भी बढ़िया है भाई, गियर शिफ्टिंग थोड़ा सा ऑन हार्ड साइड है बट ठीक है, उतना चलता है, 1,20,000 में क्या चाहिए। और यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि पावर फील नहीं होती है, 160cc है तो बहुत अच्छी पावर दे रही है। एंड जो चीज़ मुझे सबसे इम्प्रेस कर रही है वो ये है कि इस बाइक में वाइब्रेशंस नहीं लग रहे हैं। आई थिंक ये बार एंड मिरर्स जो लगवाए हैं और ये वाले जो हटाए हैं स्टैंडर्ड, इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। और विजिबिलिटी कहूँ तो यार देखो, विजिबिलिटी केवल काम की है, बढ़िया पावर है भाई
और कंफर्ट तो एक नंबर है ही। मिनी हार्ले अच्छा लग रहा है भाई। मतलब ओवरऑल ये है कि देखो, आपको अगर आप एकदम कंफर्ट को प्रायोरिटी देते हो तो आपके लिए बाइक है। एंड मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में, आई थिंक ऑन रोड 140,000 के आसपास आ रही होगी, उससे कम में ही होगी थोड़ी सी। तो आपको इससे अच्छा पैकेज शायद ही मिल पाए मार्केट में, क्योंकि आप जावा में जाओगे, रॉयल इनफील्ड में जाओगे, अगर आपका बजट टाइट है तो इससे अच्छी क्रूज़र कैटेगरी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। एंड इस मामले में बजाज काफ़ी आगे है। तो सच में ये कहें कि फील लाइक गॉड, तो वाकई में ये चीज़ है। बढ़िया है। सिटी में चलाओ तो आपको स्मूथनेस भी फील होती है। खैर, मेरा रिव्यू यही है बस कि अगर आपका बजट टाइट है एंड आप रॉयल इनफील्ड्स में नहीं जा सकते हो एंड आपको एक क्रूज़र कैटेगरी की बाइक चाहिए विद, मतलब आपका प्रायोरिटी आपकी कंफर्ट है, तो भाई आंख बंद करके ले लो, वाइब्रेशंस नहीं है बाइक में, ठीक है। अभी थोड़ा सा मनूवरिंग एबिलिटी भी देखें तो काफ़ी अच्छी है। ये भाई यू टर्न लेके देखते हैं। सही है यार, सो दिस इज़ ऑल, यही था मेरा रिव्यू। ब्रेकिंग अच्छी है, वाइब्रेशंस नहीं है, हो सकता है 120 के ऊपर जाएं और भाई उतना कौन भगाता है रेगुलर बेसिस पे, हाईवे पे भी 100 पे ही भगाओगे आप, तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छी बाइक है। एंड इतनी ज़्यादा चलने के बाद इतने कम टाइम में अगर बाइक अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब मेंटेन रखी है, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है कि भाई बाइक को मेंटेन रखो, तभी आपको बाइक उतना अच्छी परफॉर्मेंस देगी। काफ़ी चल गया है, मैंने तो 30,000 चार साल में चलाई थी, यहाँ तो 15,000 छः महीने में चल गई है। तो दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। सब्सक्राइब करना, न्यूट्रल वाला साइन नहीं आता है? अच्छा, यहाँ आता होगा। ओके ओके, आदत है यहाँ देखने की। वहाँ पे फ्यूल का आता है, न्यूट्रल का आता है और इसका मल फंक्शन लाइट आता है। अच्छा।